ये मोदी जी का 30 रुपए का फल की पार्सल, अभी 20 रुपए का भुनी किया हूँ, इसको तेल में फ्राई कर देता हूँ। आज तो ये रंग बिरंगी टिक्की बन चुकी हैं। और दोस्तों क्या हालचाल, समस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गर्मी का हाल बेहाल है भाई, इधर सारा पानी इधर ही पड़ा हुआ है, देख रहे हो? जीरा पानी का पानी बना दिया हूँ, बस थोड़ा सा ना जीरा धनिया वगैरह डालना बाकी है। दुकान वहाँ पे सेट कर दिया हूँ, कल भी काम बंद था, आज भी काम बंद है, कल से काम चालू होगा। कल ये चौखट नहीं थी, मस्त मोटी वाले मंगवाया हूँ, तराई कर दूँ थोड़ा सा अब, कल तो सुबह सुबह कर दिया था। ट्राई कर दिया हूँ और मैं भी गया हूँ, इसलिए ना लास्ट में किया, दुकान वगैरह लगाने के बाद जाता हूँ, नहा लेता हूँ फटाक से। अब तो अभी ना 11 बजने वाले हैं और धूप तो प्रचंड हो गई भाई अभी से ही, और थोड़ी सी पानी पूरी और ले लिया था मैं, दो पानी तो है, लेकिन आज संडे है, देखते हैं भाई ये भी होता है कि नहीं। ये प्याज हो गया है, मटर कम ही लिया हूँ, ज़्यादा नहीं लिया हूँ। धनिया पत्ती को ना लोटे में डाल दिए थे ताकि वो मुरझाए मत। ये देखो, देख रहे हो ना भाई साहब हमारे स्कूल का हाल, स्कूल खुलने दो मजा आएगा। मैं पूछा एक बच्चे से कि स्कूल कब खुलेगा, तो बोल रहा था कि वही 15 जून के आसपास तक खुलेगा, लेकिन एक एकदम सभी बच्चे लोग तो आएंगे नहीं, धीरे धीरे करके आएंगे ही आएंगे। डबल डबल पचका का पन्नी आ गया, अब एक पन्नी को अंदर रख देता हूँ, पता नहीं शायद अनिल का होगा, लेकिन पचका एक्स्ट्रा घर में था तो ले जाएगा उसमें। ये मोदी जी का 30 रुपए का फल की पार्सल, अभी 20 रुपए का भुनी किया हूँ। पहले मैंने इसका पैसा पूरा निकाल लिया करता था, लेकिन अभी नहीं निकालता हूँ, चेंज का दिक्कत होता है इसीलिए। अगर मैं इसका पैसा पूरा निकाल लेता तो अभी 100 रुपए का दिए भैया, 20 रुपए का खाए, चेंज करवाने जाना पड़ता कहीं ना कहीं। क्या खाएंगे सर आप? कौन सा वाला? गोल मांडू जी वाला खावा था। अरे वाह, ये लीजिए 20 रुपए। तो अभी दही तो नहीं है, दही मंगवाया था, दही ले आया है अनिल, और अब अपना सामान ना ऐसे ही ले जाता है। देखो ये जो कैरेट में खरीदा था ना बीच में, उसी में पूरा एक राउंड दो रन दही और एक बार लकड़ी चम्मच, दो रानी चाहिए बस। पचकी फुलकी जी हमारे पास आ गई है, एक पन्नी। ठीक है भाई, ऐसा ही जुगाड़ बन गया, कैरेट को निकाल देते हैं शाम को। अभी तो मतलब ठीक है, आप लोगों की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से सारा कुछ सही है। रीज़न, पहले मैं इस इतनी गर्मी में ठेला ढके लेता था, पानी यहाँ से छूता था, पूरा पसीना पूरा नीचे जाता था भाई, पूरा कपड़ा गीला हो जाता था मेरा पहले, पर यहाँ के बैठता था 15-20 मिनट। अब अभी चटक करना तो आराम से खाता हूँ पीता हूँ और आके यहाँ पे आ जाता हूँ, 5 मिनट लगता है। तो थैंक यू सो मच भाई, ये आप लोगों के चक्कर में हुआ है, व्लॉग देखते हो जो यूट्यूब के अर्निंग है ना उसी में से ये सब किया हुआ है। अब इतनी पानी पूरी निकल चुकी है और 24 की गर्मी के बारे में क्या कहना है बताओ। अरे बहुत गर्मी है, आप तो सुबह 6 बजे आ जाते हो, सुबह 5 बजे आते हो, अब गैया पाल के रखे यहीं रहती है शाम तक ना। आप एक टाइम खोला करो, एक टाइम बंद कर दिया करो, मतलब सुबह से घर में जाओगे तो आने का मन नहीं करेगा ना, फिर आने का मन, फिर सोचेगा अरे हो गया नहीं जाऊँगा, यही दिक्कत होता है। हाँ, जो लंच वाले हैं ना उनका दिक्कत हो जाएगा फिर। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और वही पानी पूरी, शुरू में ना 400 रुपये की सेलिंग में किया था, 12 बजे से पहले ही 12 नहीं बज पाए थे और 400 रुपये में सेलिंग कर लिया था,
अभी तक 4 बज गए हैं बताओ, मतलब शुरू में ना 300-400-500 हो गई ना वो जबरदस्त हुई, दोबारा टिकिया बना दिया था, ये रखा हुआ है अभी। मौसम हो गया कल की तरह, लेकिन बारिश नहीं हो रही भाई अभी। आया था भैया के पास आया था, और जब अंदर बैठता हूँ ना तो अंदर कूलर लगा हुआ है भाई, बैठने में इतना गजब का मजा आ जाता है ना कि मत पूछो। चौबी जी अंदर कूलर लगा हुआ है, और सुबह मेरी दादी बोल रही थी कि सेवैया बनाने के लिए हम लोग तरफ ना, जैसे मेरे घर में चाउमीन बचा हुआ है अभी, और सोया चिल्ली बचा हुआ है, और सोया सॉस टमाटर सॉस जो भी है सब कुछ बचा हुआ है, जो पार्टी में मजा आया करता था। मेरी दादी सुबह बोली कि लला सेवैया बना रही हो, मतलब सेवैया मतलब चाउमीन को सेवई बोल देती है मेरी दादी, तो मैं बोला उसको अभी शाम का आगे बना लूँगा, तो शाम का आगे बना लूँगा, तो बोलती नहीं सुबह बना लेना, मतलब कल सुबह बनाऊँगा उसको तो सबके लिए हो जाएगा नाश्ते में, बोल रही थी। तो मैं बोला भाई कुछ तो बनाऊँगा, तो मैं बोला शाम को आके सोया चिल्ली बना दूँगा। शशि से मैं पूछा, बोलती है ठीक है, तभी मौसम तो भाई ख़राब होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ उससे पहले पहुँच जाऊँ, थोड़ा सा पानी पूरी बचा हुआ है ज़्यादा नहीं, इसी चक्कर में रुक रहा हूँ बस भाई, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार। दोस्तों अभी घर आ गया हूँ, और छत को पूरा साफ़ कर दिया हूँ ये देखो, और ये बंदा लाया था उधर से ही, और चुकंदर, और एक ही शिमला लाया था, लेकिन गाजर नहीं लाया क्योंकि ना अभी सब्जी दुकान वहीं से खुलने लगी है पूरी, और वैसे भी आज संडे था, और संडे को ना हमारे सूरजपुर का मार्केट रहता है, छोटा बाज़ार लगता है, और जो बुधवार को लगता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, उस दिन वेज नॉन वेज सब मिलता है। ये कहाँ है छिल्लू, बड़ी वाली छिल्लू, बड़ी नहीं मिली छोटी ही मिली। ये देखिए इतना सारा ना सोयाबीन फुलवा कर रखवा दिया था, अब देखता हूँ उसी के हिसाब से ना पूरा काट लूंगा। कितनी खाना, कम ज्यादा कम खाना की ज्यादा, एक दोना। मेरी दादी का डिमांड था चाउमीन खाने का, मैं बनाना सोया चिल्ली, लेकिन उनका सुबह था, फिर मैं बोला बना ही लेता हूँ, क्योंकि ना परसों में और योगेश गए थे ना तो वहाँ खाए थे, और 30 रुपये का आपको पता है 30 रुपये का सोया चिल्ली आप लोगों ने, तो इतना समय लेगा, और अभी तो वैसे देखोगे ना रेट के हिसाब से तो ये 200 रुपये का आसपास का बन जाएगा। डूडू कहाँ गई, डूडू टीवी देख रही है, आइए बना रहे हैं ना भाई, बड़ी बना रहा है बना भाई, सेवैया कल सुबह बना है ठीक। दादी को चाउमीन खाने का मन था, तो फिर मैं एक दिन सोचा कि बाजार से भी ला दूंगा। अब इतना प्याज काट दिया हूँ, इतना शिमला काट दिया हूँ, शिमला तो एक ही था पूरा काट दिया, बीटरूट को ना थोड़ा धोना पड़ेगा, और पत्ता काट लूँ बस, अभी दोस्तों पत्ता काट रहा हूँ, पत्ता काट लिया हूँ बस, अब कढ़ाई लाना है, और सबको गर्म कर देना, भून देता हूँ इकट्ठा। इसमें कमी क्या है पता है, गाजर की कमी है, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, तो अदरक और लहसुन को और हरी मिर्ची काट कर डाल दूँगा। दोस्तों आप लोग को जब कुछ खाने का मन करता है ना तो आप लोग चौपाटी जाते हो, हम लोग को कुछ खाने का मन करता है, हम लोग पानी पूरी वाले हैं, ठेले वाले, तो हम लोग घर में बनाते हैं कुछ भी, तो आज मैं बनाने वाला हूँ घर में सोया चिल्ली। ये देखो सोया चिल्ली बनाने वाला हूँ, और पूरा सामान यहाँ पर काट कर रख दिया हूँ, ये कढ़ाई गर्म कर दिया, सबसे पहले इसमें तेल डालते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों डाल देता हूँ इसमें अदरक और लहसुन डाल देता हूँ खड़ा हुआ, ये देखो ये फ्राई हो जाएगा, और उसके साथ साथ ना इसमें प्याज और शिमला मिर्च भी फ्राई करना है। मेरे ख्याल से ना कढ़ाई छोटी पड़ जाएगी, तो इसको अच्छी तरीके से ना लाल करना है अपन को प्याज को, जितना ज़्यादा लाल करेंगे ना तो उतना ज़्यादा जल जाएगा, मतलब लाल ही करना है, जितना ज़्यादा लाल करेंगे ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, है कि नहीं, तुम भी मज़ा लेने आ रहे हो बाबू। तो दोस्तों इसमें ना आज मैं मैदा ही डाला हूँ, और अरारोट कुछ नहीं डाला हूँ, हल्का सा फूड कलर और नमक डाला हूँ, वैसे हम लोग पार्टी वगैरह में डालते हैं ना उसमें फ्राई भी करते हैं, और आज मैं इसको तेल में ही फ्राई कर दूँगा यहीं पर, तो ये ग्रेवी जो है ना इस ग्रेवी को बनाने के बाद मैं उसको निकाल दूँगा, और उसी के बाद उसको अलग से इसमें तेल के साथ फ्राई कर दूँगा। इसको तेल में फ्राई कर लेता हूँ आज, और ऐसे ही हम लोग सब्जी बनाते हैं ना घर में, तो इसको ना ऐसे ही फ्राई करते हैं तेल में ही। थोड़ा इसमें और तेल डालता हूँ, तो उसको निकाल दिया हूँ, अब दोस्तों डाल देता हूँ इसमें पत्ता, पत्ता को मैं फ्राई होने दूंगा, एकदम सॉफ्ट हो जाने दूंगा, जैसे ये सॉफ्ट हो गया ना वैसे ही साफ हो गया भाई। दोस्तों आज ना मैं ग्रेवी पहले बना लूंगा, हरदम ना हम लोग क्या करते हैं कि सोया चिल्ली वगैरह डाल देते हैं उसके बाद ग्रेवी बनाते हैं, तो ये देखो उसको
इसको ना ऊपर से डालूंगा। अब इसमें डाल देता हूँ पानी। अब इसमें डाल दूंगा हल्का सा फूड कलर। मैंने बहुत सारी जगह देखा भी है ऐसे ना, ग्रेवी पहले बना लेते हैं उसके बाद सोया चिली वगैरह डालते हैं उसमें, तो आज मैं भी वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ। तो इसमें ना अभी थोड़ा सा सोया सॉस डाला हूँ और इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा चिली सॉस, ताकि सब ना अच्छी तरीके से पक जाए। ग्रेवी ना जितनी अच्छी बनेगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये डाली टमाटर सॉस, अभी कम डाला हूँ, ऊपर से और डालूँगा। अब देखो सोयाबीन तो कम लग रहा है मेरे को, ग्रेवी ज़्यादा हो गया। ये देखो ग्रेवी 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 खाएंगे। मैं ससी को बोल रहा था डाल देना अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे को लगता है ना सोयाबीन कम है और ग्रेवी ज़्यादा है। कोई बात नहीं, अब इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। तो एक प्लेट में निकाल के ना योगेश को दे देता हूँ। दादी अंदर में है, दादी को दिया अंदर के लिए दिया मैं। हम तो ससी को दे देता हूँ अभी, दादी को भी देखे आ जाएगी। और दादी को निकाल दिया हूँ थाली में अंदर। का योगेश ठीक बनी, बस तली नहीं है। वही तला नहीं होना आज, थोड़ा सा कढ़ाई में जो तलते हैं तो उसके चक्कर में टेस्ट थोड़ा सा 19 हो गया है, बाकी सही है ना योगेश। दोस्तों ये आ गया है सोया चिली, खा लेते हैं, पेट भर के अंदर रख दिया हूँ। अनिल आएगा, मम्मी पापा आएंगे तो खा लेंगे, शाम को खाएंगे तो ठीक है। इसी पेट भर जाएगा आज तो ठीक है, सो खा लेता हूँ मैं। कहाँ कर रहे थे तुम? ये देखो पानी पूरी का आटा, हम घुसे थे पूरा बोरी में, कहाँ हो गया? ई भगवान, कहाँ है भाई साहब? ऐ अब झाड़ू लगाओ। आ जाओ। हम लोग सुबह पानी पूरी पहलते हैं ना, तो भी ना आटा से बहुत ज़्यादा खेलती है ये, तो बाहर आ गई। ले ले जल्दी पी, जल्दी पी, जल्दी पी, जल्दी पी।